कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और हमारी संस्कृति से जुड़ी मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश और आज मैं लेके आया हूँ अकबर बीरबल का एक मजेदार किस्सा जिसका नाम है पहली मुलाकात। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं जैसा मैं अब हूं। जब महेश की बारी आई तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सबकी तरह मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कर लीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि वो बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। आगे चल के महेश ही बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।